तुम्हें कितने की लगी थी ये बाइक? 5 लाख की। अरे यार कीचड़ तो ऐसी भाई। ये जगह जहाँ हम कैंप के लिए ढूंढ रहे हैं इतनी सुंदर है यार, देख रहे हो व्यू मान। सारा सामान बिल्कुल पैक हो चुका है, दोनों साइड पैनियर्स और पीछे का टॉप बॉक्स। एंड यकीन मानो आप, ये 3 अकेले बक्से नहीं है, इसके अलावा जो मेरा टेल बैग भी है ना वो भी पूरा भरा है, ऑलरेडी बाइक मैंने लोड कर दिया है। अभी टाइम हो रहा है एग्जैक्ट 11:19 रात के, और कल सुबह हम लोग निकलेंगे अपनी नेक्स्ट कैंपिंग राइड के लिए, जो कि इस बार ना बहुत ही बढ़िया होने वाली है। फिलहाल काम क्या करना है, 3 पैनियर ना मैं अभी लोड करके बाइक को बिल्कुल रेडी करके सोऊंगा। सुबह 5 बजे हम लोगों को निकलना है, कहाँ जा रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, कैसे कैसे क्या करना है, वो सब आपको चलते चलते धीरे धीरे बताते जाएंगे। क्या सही लग रहे हैं यार पैनियर्स देखने में, देख रहे हैं बिल्कुल मस्त सेक्सी लोडेड 50-60 किलो सामान लोड कर लिया हम लोगों ने। एनीवे तब ऊपर चलते हैं, सोते हैं यार, 12 बजने वाला है, 5 बजे उठना भी है, तो हमसे सुबह ऊपर मिलते हैं। सो फाइनली टाइम इज 6:08, 6 बजे में निकलना था बट आसपास निकल जाएंगे, अभी भी थोड़ी थोड़ी गर्मी है यार। एवरीथिंग इज जस्ट अप एंड रेडी, बस निकलना रह गया। सीजे भाई ऑलरेडी निकल चुके हैं, तो भाई चलने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियोस पसंद आए कैंपिंग के और इस राइड के तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ वीडियोस को लाइक करना, क्योंकि बहुत एफर्ट लगता है यार बनाने में, और बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियोस को लाइक नहीं करते, तो यार वो सब कर लो यार, हमें भी मोटिवेशन बना रहता है। बाकी तो हम अपनी तरफ से पूरी अच्छी कोशिश करेंगे दिखाने की, चलो बस अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। भाई बजरंग बली के नाम के साथ नई राइड की शुरुआत, जय बजरंग बली। 6:15 बज गया यार, सेना ऑन करते हैं। हेलो हेलो, हो सकता है अभी तक सीजे भाई आ भी गए हो, आप लोग जा रहे हैं ऑफिस, हम जा रहे हैं राइड पे। यो यो ओ, मौसम तो ठीक है यार, ठंडा है, मतलब जितनी देर आप बाइक चला रहे हो उतनी देर यू विल फील गुड। ये क्या किर किर कर रहा है, बाइक इतनी हैवीली डिसबैलेंस्ड है कि मैं एक हाथ छोड़ रहा हूँ तो वॉबलिंग करने लग जा रही है। पेट्रोल और हवा तो हमने कल ही भरवा ली थी, कोई दिक्कत ही नहीं है, बस बाइक दौड़ानी दौड़ानी भर रह गई अब तो। तो यहाँ यार अपने को करना है सीजे भाई का इंतज़ार, हजार्ड लाइट ऑन, और ये अपन ने लगा दिए ब्रेक, सीजे भाई थोड़ी देर में आने ही वाले होंगे। भाई सुपर बाइकर निकल रहा है सुबह सुबह दोनों दो। बाइक क्या चमक रही है आपकी भाई साहब। सर्विस के बाद वैसे बाइक चलाने में मजे तो आते हैं, ये बात है ना, अपनी तो बिल्कुल रेडी है ही। और ये देखो नए स्टिकर, सही लग रहा है ना बिल्कुल मस्त। ये देख रहा हो बिल्कुल ठूस ऑन ठूस भरी है हर चीज, बिल्कुल कैंपिंग में हम कहाँ जा रहे हैं, तो इस बार अपन जा रहे हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहाँ जा रहे हैं ये आपको थोड़ी देर में बताएंगे, कुछ लोकेशन हैं जो हमने पता करी है सीजे भाई ने, तो वहाँ पे जाके हम लोग इस बार कैंपिंग करेंगे बेहतरीन से। टेम्परेचर 26, टाइम 6:26, सनराइज हो ही गया, मतलब आ गए हैं सूर्य देवता बाहर, गुड़गांव में तो वैसे ही नहीं दिखते हैं।
भाई 100 किलोमीटर हो गए पूरे और इसी खुशी में रुक के पानी पीते हैं हम लोग। और दिल्ली से बाहर निकलते ही हमें लगा था गर्मी बढ़ेगी बट एक्चुअली में गर्मी घट गई है भाई, सही हो गया माहौल अभी कूलम कूल। ओ भाई 2 मिनट का ब्रेक भी काफ़ी रिलैक्स कर देता है ना। तो यार इस बाइक को चला के ना बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे हैं, मतलब हर बाइक का अपना फ़न होता है। CV 350 चलाता हूँ तो उसमें ना लाइट है, वो उसको चलाने में थोड़ा हल्का फील होता है, बट यार हाईवे में इस बाइक का कोई जवाब नहीं। अरे थोड़ी देर में खड़े हो गए ना पिछवाड़े को आराम देना भी ज़रूरी है भाई, नहीं तो जो है आग लग जाती है। भरोसा 35 सालों का। ओके सैफ भैया चलो पहुँची गए। अब ये बताओ रोची किधर तोड़ेंगे? रोची आप बताओ, रोची और व्हाटएवर। लो भैया आ गया मैकडी। फर्स्ट मील ऑफ द डे आफ्टर और एग्जैक्टली 151 किलोमीटर बाइक चला ली। टाइम इज 8:27, टेम्परेचर अंडर कंट्रोल, राइड फन, ओ माई गॉड ऑप्टिमम, मोर देन 100%, एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन। ओ या भैया जी बड़ी बाइक चलाने का मजा तो है भैया जी, ये तो माने भाया फुल इंजॉय किया। दिन का पहला ब्रेक एट मैकडी और मस्त खाते हैं क्योंकि अब आगे तो मैकडी वैकडी मिलना नहीं है। हमारी बाइकें देखो मतलब, और भाई क्या लग रही हैं, क्या लग रही हैं, सब यहीं छोड़ दें क्योंकि अंदर से दिखता है ये ह्योसुंग कोई बाइक पता नहीं कौन सी। शोरूम से ही किसी एक्सेसरी शॉप में गई थी और उसके बाद इसमें नए पहिए लगे और आ गई, बस इतना काम हुआ इस गाड़ी में। हॉट हॉट कॉफ़ी, वेज मफिन, ये पता नहीं क्या, हैश ब्राउन्स मस्त खा चुका है। बेहतरीन ब्रेकफास्ट करते हैं अपना, कैटल सिंह की चाय पीते हैं। कॉफ़ी से यार मन नहीं भरता हमारा, मतलब कॉफ़ी पी ली मैंने ब्लैक कॉफ़ी, उसके बाद भी चाय पीने का मन कर रहा है। यहाँ बहुत सारा आउटलेट अच्छा खुल गया, मतलब मैकडी में ना लोग भर भर के आते हैं। और एज़ यूजल आप इंडिया में किसी भी हाईवे पे जाओ आपको पचरंगा अचार और साथ ही साथ चूरन डिफरेंट टाइप्स के ये आपको मिलने ही मिलने हैं। देखो भैया लोग कैसे गाड़ी खड़ी करते हैं। यहाँ हमने अपनी बाइकें लगा रखी थी, भैया ने ऑफ द ट्रैक यहाँ ला के अपनी बाइक खड़ी कर दी, अब हम कैसे निकलेंगे। एनीवेज हम अब निकलने वाले हैं, टाइम हो गया 9:30, अराउंड 1 घंटा हमने आज स्पेंड किया और मज़े किए, टाइम से चल रहा है कोई दिक्कत नहीं, तो पहुँच जाएंगे 3:30 बजे तक 4 बजे तक, अब निकलते हैं। एनीवेज यार हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, अब हम उड़ते हैं रॉकेट की तरह। उनका ब्रेक लग गया तेरी बाइक देखते ही। भैया हेलमेट भी पहन लिया करो है? जी घर पे रखा है, मैं सुरक्षित रखा है बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही। बीच में जो कट्स हैं भाई ये थोड़ा रिस्की चीज़ है, कहीं रिक्शा उल्टे से आ रहा होता है, कहीं गाड़ी अच्छे से आ रही होती है, आपकी भी स्पीड ज़्यादा होती है तो थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है। अभी देखो ट्रक भाई साहब ख़राब हो गए हैं, वो भी बिल्कुल मेन ओवरटेकिंग लेन में। ये देखो पूरा गैंग जा रहा है उल्टा, पता नहीं कहाँ संडे राइड लगाने जा रहे हैं। किलोमीटर हो चुके हैं पूरे, टाइम हो गया है 10:15 और अब हमें एक टर्न लेना है। मैं और सीजे भाई डिसाइड कर रहे हैं कौन सा टर्न लिया जाए, जिम कॉर्बेट रामपुर, जिम कॉर्बेट दिखा रहा है लेफ्ट। ब्रेक टाइम पानी पीते हैं, पानी मौजे करते हैं मौजे। अभी हम रुके हैं रामपुर के पास, काफ़ी बढ़िया जगह है। ये जो पैच है ना रोड का यार, इसमें देखो पूरा जंगल है, पेड़ है, तो यहाँ हम हर बार, जब पिछली बार नैनीताल आए थे तब भी रुके थे, इस बार भी रुक गए। बाइकें अपनी सुपर सेक्सी रेडी हम लोग हो चुके हैं, टाइम हो गया है 11:15, आज सही चल रहा है ऑलरेडी, हमने 250 किलोमीटर का अराउंड कवर कर लिया है, 240 किलोमीटर टू बी एग्जैक्ट। और यहाँ से अभी जो लोकेशन है हमारी वो ना एग्जैक्ट मेरे को भी नहीं पता है, हम लोग मैप से थ्रू ही जा रहे हैं, तो वो अभी यहाँ से 170 किलोमीटर दूर है, तो आई बिलीव कि हम लोग 3-4 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे आराम से। पानी वानी हमने ज़बरदस्त पी लिया है, काफ़ी डिहाइड्रेशन हो रहा है क्योंकि ह्यूमिड है। बाइक ऐसी लोडेड है भाई, जहाँ खड़ी करो वहाँ झुक जा रही, बेंड हो जा रही है पूरी।
कितनी लगी थी ये बाइक? 5 लाख की। 5 लाख की? अच्छा भाई, सरप्राइज हो गया, 18 लाख रुपए की बाइक है। बोल रहा है आप पढ़ रहे हो ना, मस्त पढ़ो, खूब पढ़ो, तो बस यही लेना आप भी, है ना। फ्यूल मेरी बाइक में 2 पॉइंट बचा है, आपकी बाइक में कितना है? वेरी गुड क्वेश्चन, नोटिस ही नहीं किया अभी मेरी नजर गई तो मेरी बाइक दे रही है 31.4 का माइलेज, तो ठीक है चल जाएगी। ट्रैक्टर वाले बेताज बादशाह हैं रोडों के, जो है ना उन, हाँ तुम अपना देख लो, मोड़ पा मोड़ लो, नहीं निकल लो। नैनीताल इज 57, हल्द्वानी इज 49, कोटबाग 23, और अभी थोड़ा सा जंगली जंगली रास्ता स्टार्ट हो चुका है भाई। भैंसों कलर टोन कुछ अलग सा नहीं, ऐसा लग रहा है बरगंडी कलर कुछ पेंट करा रखा है। हवा ठंडी हुई तो है जंगल में अंदर, भैया लकड़ियां दे दो हमें यार, आग लगानी सामने आज कैंप, पता नहीं आग लगाने जरूरत पड़ेगी भी नहीं, गर्मियों में झुलस ना जाए कहीं, पता लगा खड़ी हो जाएगी, मैं वहाँ पता करता हूँ आपकी तो हो जाएगी। तो भाई टाइम हो गया है 1:03 और हमने एक छोटा नन्ना मुन्ना चुन्नू मुन्नू ब्रेक ले लिया है, यहाँ पे बैठते हैं मैगी वैगी खाते हैं, चाय वाय पीते हैं, फिर निकलते हैं क्योंकि अब सीधा डेस्टिनेशन पे चलेंगे, कॉर्बेट मैगी पॉइंट, तंदूरी कुल्लड़ चाय। तो ये कुछ अपने हालात हैं 312 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद, और अपना बेहतरीन चाय और बन मस्का आ चुका है, मतलब ट्रैवलिंग में इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता, मस्त मजा आते हैं। तो ये खाते हैं, इसके बाद हमने मैगी भी ऑर्डर कर दी है, मैगी आएगी मैगी खाएंगे और बस निकल लेंगे, बाइक है अपनी वो कड़ी। गेट का नाम जो है आम डंडा गेट, आम डंडा गेट है ये, खास डंडा कहाँ भाई आम डंडा ही खा रहे हैं हम लोग तब से। अच्छा ये बिजरानी जोन है, ओके अब हम लोग ऑफिशियली एंट्री मार चुके हैं जो प्रॉपर जो कोर एरिया बोलते हैं नेशनल पार्क का, उसमें जंगल वाली पूरी वाइब आने लग गई है भैया, फील आ रही है कि हम लोग जंगल में चला रहे हैं, आपको भी आने लग गई होगी। तो भाई टिल नाउ जर्नी इज जस्ट वाव, मौज चलती रही चाहिए, मौज में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, क्या कहते हो मोड़ने में ना फटे कहीं बाद में, है ना बैक करने में, पैदल जाके देख के आओ एक बार, चलो देखते हैं, चल देख के आता हूं, रुक आगे लगा देते हैं बाइक, है ना। सीजे भाई विल टेक द लीड एंड आई विल फॉलो हिम। विनय कहां है तू? विनय कहां यार, विनय मिस कर रहा हूं। अरे यार कीचड़ तो है सीजे भाई, शुरू में ही है। अच्छा बस छोटू सा, ओके यहां से आराम से ले जाएंगे। पर कहां भागी जा रही, धीरे धीरे चल थोड़ा, नो मोर कीचड़, मेरे से कुछ ना हो पा रहा अपने आप चल रही है, लाइक इंडियन रुपी बाइक इज टेकिंग इट्स ओन कोर्स। मेरे ख्याल से यही रोक लेते हैं, ऊपर ही छोड़ दी जाए। हां हां, एंड दिस व्यू इज ऑसम, क्या बात है, बिल्कुल नदी के किनारे ईगल दिख रही है ना, इट माइट बी फिशिंग, ध्यान रखो।
ये तो अनएक्सपेक्टेड थ्रिलर हो गया भाई, काफी गहरी। रुको लेट्स ऑब्जर्व। अरे यार जूते उतार लूं क्या मैं? ये रूट ले लिया जो ये बाइक वाला लेके आया। चलो भैया जय बजरंग बली, पैर न रखना पड़े, जूते भीग गए तो बहुत कष्ट हो जाएगा। अरे पत्थर पर ऐसे हैं सीजे भाई, बी विजिलेंट एंड बी केयरफुल। कैमरा ऑन कर दिए कहूँ ना फायदा नहीं है, बट पानी का स्लो फील हो। रोकने के लिए कह दिया। ओहो बट मैंने पैर नहीं रखे, ओए निकल गए। यार आप तो काफी हलवे की तरह निकालते चले यार। मेरी बैंड बज गई थी सीरियसली। यही बाकी रह गया था, नैनीताल में भी वाटर क्रॉसिंग है बताओ। और बारिश में बहुत ज्यादा पानी हो जाता होगा यहाँ पे है ना? यस। तब तो फिर जिप्सी ही निकल पाती। हाँ जंगल का व्यू देखो भैया, जंगल बीच बीच में से धूप आ रही है। भाई जंगल तो चले जा रहा है, अभी भी हमारा डेस्टिनेशन जो है वो नियरली 50 किलोमीटर दूर है और 3 ऑलरेडी बच चुका है। भैया तंबू भी लगाना है, कैसे होगा? सब होगा, सब होगा, टेंशन ना लो। ये लो भाई जिम कॉर्बेट जंगल देख लो यहाँ से। ओए ये नदी कितनी सही लग रही ना सीजे भाई, बेहतरीन नज़ारा यार, एक नंबर। इतना हम लोग चढ़ के ऊपर आ गए, सोचो एक टाइम पे हम लोग वहाँ थे नदी किनारे कहीं पे। तो यहाँ हमने खड़े होकर 4-5 मिनट का ब्रेक लिया, बहुत ही अच्छे सीनरी थी तो हमने कहा रुक रुक के चलते हैं, आराम से एंजॉय करते हैं। डेंस जंगल है, नीचे ये रामगंगा रिवर बह रही है। ये भी 16.2। वाओ नाइस ब्रिज। तभी हुआ ये भैया, हम लोग भूल गए रास्ता, गलत रास्ते चले गए 9 किलोमीटर आगे। तो जो हमारा अराइवल टाइम 4:30 था वो बढ़ के हो गया 5:30। अब वापस आए हम लोग, फिर मतलब 16 किलोमीटर एक्स्ट्रा चक्कर लग गया। मैप सही दिखा रहा है अभी? मैं मुड़ा ना, इसके बेचारे का दिमाग खराब हो गया। हाइट पे गूगल को चक्कर आ जाओ। मैं इसको फोन को एक वो खिला के लाया करो सीजे भाई, डायमॉक्स खिला के लाया करो। कूट के चार्जिंग सॉकेट से अंदर कर देंगे थोड़ा सा, तब होश में रहेगा गूगल। अब लग रहा है थोड़ा पहाड़ों में घुसे। घास हरी हरी हो गई है, सुंदर सुंदर हो गई है, पाइन की ट्रीज स्टार्ट हो गए। ये देखो देखिए, अब लग रहा है कि उत्तराखंड में आ गए। क्या बात है, सुंदर सुंदर रास्ते। टाइम हो गया है 4:30। अचानक से भाई माहौल पूरा बदल चुका है। ये देखो नॉर्थ ईस्ट की याद आ गई भाई, बादल बहने लग गए एकदम से यहाँ से उत्तराखंड में भी। क्या बात है, और ठंड इतनी सही हो गई। आपकी बाइक कितना टेम्परेचर दिखा रही थी भाई अभी? नाइस। मौसम 7-8 डिग्री टेम्परेचर कम हुआ और इतना चेंज फील हो रहा है ना हम लोगों को, ठंडा ठंडा लग रहा है, ठंडा ठंडा। ये उत्तराखंड ऐसा है जो हम पहले सही में कभी नहीं है यार, पहली बार देख रहे हैं। सल्ट नाम है जगह का, सल्ट डिस्ट्रिक्ट सल्ट। तभी पीछे एक सल्ट पब्लिक स्कूल था, मैं उसके अजीब नाम रखा है। हाँ इन और लगा दोगे तो इंसल्ट पब्लिक स्कूल। फाइनली हम लोग ढूंढते हुए अपने लिए कोई बढ़िया सी कैंपिंग साइट। तो यह है कि ये भी फायदा ना, ये थोड़ा शांत है ना, थोड़ा ऑफसेट है। हाँ तो चिल रहेगा। पता है एक चीज और फायदा है, सूरज उस तरफ डूब रहा है अभी, शाम को तो दिखेगा लेकिन सवेरे परेशान नहीं करेगा। हाँ ये बात भी। माय टेंट इज ब्लैक वन इनसाइड टू नेपाल मैन खाई। लेकिन ये थोड़ा घास बड़ी बड़ी है और थोड़ा उबड़ खाबड़ है, बस दिक्कत ये है। अच्छा वहां भी लगा सकते हैं ना, यहाँ बाइक पार कर दो रोड में, ज्यादा अच्छा है ना। वहां लग जाएगा, लग तो जाएगा, वहां से भी व्यू आ ही जाएगा चीज भाई। चलो मैं तो फैन हो गया यार इस मौसम का, सही में मेरे को चेरापूंजी याद आ गया चीज भाई, है ना। बिल्कुल ऐसा सा ही था वहां पे माहौल, इतना क्रिस्टल क्लियर। इस्तांबुल लगता है अंकल जी से हमने बात कर ली, बाइक के सामने रहेंगे तो दिखता भी रहेगा। ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल। देखो
को लूप्स दिख रहे हैं, लूप्स लूप्स ऑफ लूप्स, धूप निकल आई। अभी देखा था कैसा क्लमजी सा पूरा बादल बादल, देखो सनसेट देखो यार कितना, ओ बॉय यार अनबिलीवेबल। तो फाइनली अपने लोकेशन पे पहुंच तो गए हैं। ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, ऑलरेडी घर से स्टार्ट करके यहाँ तक ले आए हैं, तो इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाएंगे कहाँ कैंप लगाया, क्या खाना बनाया, क्या किया, मस्त लोकेशन हमने फाइनलाइज कर ली है। एंड क्या समय है और क्या मतलब व्यू है, ऑसम। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और नेक्स्ट ब्लॉग में हम लोग करेंगे मस्त मस्त कैंपिंग आज रात की। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ये देखो फिर से एक बार आपको व्यू दिखा देते हैं, देख रहा हूँ। वाओ, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय एंजॉय।